नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर इंसान चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सभी खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन कई बार कुछ कारणों से हमारे चेहरे पर अनचाहे दाग धब्बे और झाइयाँ आ जाती हैं, जिसके कारण कई बार आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग आपके चेहरे पर दाग धब्बे होने का कभी कभी मजाक भी उड़ाते हैं, जिसकी वजह से आपका आत्मविश्वास भी कमजोर होने लगता है। इस भागदौड़ भरी जीवन शैली और प्रदूषण, जिनका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, वैसे चेहरे के दाग धब्बे के लिए कई तरह के क्रीम्स बाजार में मिलते हैं, पर इनके लगातार प्रयोग से आपकी त्वचा पर बुरा असर पड़ सकता है। दाग धब्बे चेहरे की सुंदरता को खराब कर देते हैं। हम बहुत कुछ करते हैं पर ये नहीं जाते, और किसी न किसी कारण से वापस आ ही जाते हैं। मुहासे, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड इत्यादि, ये सब आ जाते हैं और चेहरे पर अपनी निशानियां छोड़ जाते हैं। इससे हमारे चेहरे की सुंदरता खराब हो जाती है और हम मायूस हो जाते हैं। इसका इलाज है, पर आपको नियमित रूप से करना होगा। अगर आप ये सब नियमित रूप से करेंगे तो आप दाग रहित और खिला खिला चेहरा पा सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या उपाय। दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कोई भी टिप्स को आप मिस ना करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जरूरत होगी एक खाली बाउल की। साथ ही दोस्तों, आप ये मेरे पास देख रहे हैं, यह दोस्तों मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, जो आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा किसी भी किनारा स्टोर पर। दोस्तों, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर हमारे चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे के दाग धब्बों को दूर करता है, साथ ही साथ हमारे चेहरे के कालेपन को भी दूर करता है। इससे हमारा चेहरा काफी खिला खिला और गोरा बनता है। दोस्तों, आपको क्या करना है, एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर एक खाली बाउल में आपको लेना होगा। एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर लेने के बाद में अगली चीज जो आपको लेनी है दोस्तों यहाँ पर, वो है एलोवेरा जेल। आपको दोस्तों इसमें एक चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल हमारे चेहरे के लिए काफी फायदेमंद होता है। ये हमारे चेहरे की झुर्रियों को आने से रोकता है, साथ ही साथ हमारी त्वचा को टाइट बनाता है और हमारे चेहरे पर मॉइस्चराइज की तरह काम करता है, जिससे हमारी रोगी त्वचा की समस्या दूर हो जाती है। साथ ही एलोवेरा के कई फायदे हैं जो हमारे त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो दोस्तों, अब इसके बाद में आपको आखिरी चीज जो लेनी है वो है दोस्तों कच्चा दूध, मतलब कि रॉ मिल्क। आपको यहाँ पर कच्चा दूध लेना है और इसमें 3 चम्मच कच्चे दूध के आपको ऐड करने हैं। 3 चम्मच कच्चा दूध लेकर दोस्तों अब आपको इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोस्तों, कई महिलाएं दूध को अपनी रंगत सुधारने के लिए प्रयोग करती हैं। हम सभी जानते हैं कि दूध कई ढेर सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ होता है, इसलिए यह आपकी त्वचा के लिए काफ़ी आवश्यक होता है और काफ़ी हद तक फायदेमंद भी होता है। पर क्या आप जानती हैं कि इससे आप खुद की भी सुंदरता को निखार सकती हैं। पुराने समय में तो सारी स्त्रियां दूध से स्नान किया करती थी। कच्चा दूध चेहरे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप इसे किसी भी पेस्ट में मिलाकर अपने चेहरे पर लगा सकती हैं। इसे रेगुलर चेहरे पर करने से आपके चेहरे के दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ आदि दूर हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं, यह आपका पेस्ट बनकर तैयार है। दोस्तों, इसे जो लगाने का तरीका वो ये है, आप इसे हफ्ते में 4 बार लगाएं, मतलब कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन आप इसे जरूर लगाएं। इससे ही आपको काफ़ी अच्छा रेट देखने को मिलेगा। इसे जो लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप सबसे पहले अपने चेहरे को किसी साबुन से धोकर साफ कर लें और उंगलियों से इस तरीके से इस पेस्ट को लें और अपने चेहरे पर इस तरीके से अप्लाई करें। आपको दोस्तों गोल गोल हाथों से इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए अपने चेहरे पर हल्की हल्की मालिश करनी है और इसे इसी तरीके से अपने पूरे चेहरे पर लगाते जाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरे हाथ पर ये लगता जा रहा है, ठीक इसी तरीके से आपको लगाना है दोस्तों। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से ये पेस्ट लग चुका है। इसी तरीके से आपको लगाकर इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 20 मिनट बाद आपको इसे सादा ठंडे पानी से धोकर साफ कर लेना है। फिर इसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज क्रीम लगा सकते हैं या आप एलोवेरा जेल भी अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके चेहरे के दाग धब्बे, झुर्रियां, काले निशान और कालापन हमेशा के लिए दूर होगा। आपका चेहरा काफी गोरा, सुंदर और चमकदार बनेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मैं आपके लिए फिर लाता हूँ कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।